स्टूडेंट्स, बट आज की जो क्लास है 9th क्लास के लिए होगी। आप लोगों को पता है कि 9th में 2 न्यूमेरिकल बचे हुए थे, तो बोर्ड पे काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो उसको मैं आज बुक की हेल्प से सोल्व करवाऊंगा। तो फर्स्टली आप इस ग्राफ को क्लियरली देखें। क्वेश्चन नंबर 6 इज हेयर, फिगर 8.1 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप बुक में एक बार ग्राफ को ध्यान से देखो बेटा, ये स्केल 0 से 1.6 तक जा रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आप काउंट करो तो 1.2 से 1.6 तक हमारे टोटल जो है 5 बॉक्सेस बन रहे हैं। देखेंगे बेटा इस तरीके से, अगर मैं इधर ग्राफ काउंट करूँ तो 0 से 4 के बीच में 7 बॉक्सेस हैं। तो सबसे पहले इस तरीके के ग्राफ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप एक बॉक्स की वैल्यू निकाल लो कितनी है। तो इधर मैं देखूं तो आपको स्केल यूज निकालना होता है अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम है, तो 5 डिवीजन की वैल्यू, 5 बॉक्स की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 5 डिवीजन इज इक्वल टू 0.4, तो 1 डिवीजन की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 0.4 by 5, 0.08। क्लियर है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं बात करूँ, 0 से 4 तक बात कर रहे हैं, तो जो टोटल वैल्यू आ रही है, टोटल 7 बॉक्सेज है, यानी 7 डिविजन्स में इसको बांटा गया है, तो कितनी है, दैट इज 4। तो 1 डिवीजन की वैल्यू 4 by 7 और टोटल 0.57 वैल्यू आ गई बेटा। यानी कि अगर यहाँ से आप एक बॉक्स की वैल्यू देखते हो यहाँ तक, तो कितनी हो गई, एक्स एक्सिस पे तो 0.08 और वाई एक्सिस पे एक बॉक्स की वैल्यू होगी 0.57। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तो फर्स्ट का आंसर मैं सीधा आप लोगों के सामने लिख रहा हूं कि अगर ग्राफ में देखें, विद इन द ग्राफ अगर आप देखो तो स्लोप चेक करनी है बेटा, डिस्टेंस स्पीड पता चलती है स्लोप से, और स्लोप में कॉमन भाषा में बात करूं तो वो देखो कि इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा खड़ी लाइन दिखे आपको, जिस ठीक है, वही हाईएस्ट स्पीड शो करेगी। तो अगर देख पा रहे हैं बी की जो लाइन है, बी का जो ग्राफ है, वो सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, खड़ी लाइन शो कर रहा है, यानी उसकी स्लोप ज्यादा है। तो आपको सिंपल लिखना है आंसर, फर्स्ट का आंसर एच स्लोप ऑफ ग्राफ बी इज हाईएस्ट। मैं पूरा लिख देता हूं फिर आपको दिख जाएगा। सो स्पीड ऑफ कार दे रखे हैं, क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए इज फास्टेस्ट, तो उसकी स्पीड क्या होगी, फास्टेस्ट। आंसर आप ध्यान से देखें, एज स्लोप ऑफ ग्राफ बी इज हाईएस्ट, सो स्पीड ऑफ ए इज फास्टेस्ट। फर्स्ट का आंसर क्लियर है, यस सर। तो सेकंड पे चलते हैं, आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। सेकंड क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि क्या तीनों कोई ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसी जगह आएगी जहां पे तीनों एक ही पोजिशन पे होंगे, यानी तीनों एक दूसरे से मिल रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या बनता है कि तीनों पॉइंट तब सेम हो सकते हैं जब क्या हो, जब तीनों के एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों की पोजीशन सेम हो। ऑल थ्री मे बी एट सेम पॉइंट इफ पोजीशन ऑफ ऑल थ्री इज सेम एट ए पर्टिकुलर टाइम, जब एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम हो तो तब बोल सकते हैं। पर यहां अगर ग्राफ में देखें, इट्स का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों एक ही जगह कट करने चाहिए, पर यहां पे अगर देखें कि बी और सी अलग कट कर रहे हैं, ए और बी भी कट कर रहे हैं, ए और सी भी कट कर रहे हैं, पर ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि वो तीनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं।
पोजिशन ऑफ ऑल थ्री इज सेम एट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज ऑल थ्री ग्राफ्स शुड क्रॉस एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है बेटा, यानी कि तीनों क्या होने चाहिए, ग्राफ शुड क्रॉस एट ए कॉमन पॉइंट। हाफ क्लियर हो रहा है कि तीनों कॉमन पॉइंट पे होने चाहिए। ठीक है, बट दिस इज नॉट गिवन इन ग्राफ, सो आंसर इज नो। तो आपका आंसर क्या होगा कि वो तीनों सेम पॉइंट पे नहीं होंगे, ये आपके सामने है, बट दिस इज नॉट गिवन इन ग्राफ, सो आंसर इज नो। अब सी पार्ट ने थोड़ा सा अटका रखा था बेटा, हाउ फार सी ट्रेवल्ड, कि सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा जब बी ने ए को क्रॉस किया। तो ग्राफ में देखते हैं, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखो बी का ग्राफ ये है, ये वाला, यस, और ए का ग्राफ ये वाला है। अब बी ने ए को इस पॉइंट पे क्रॉस किया, तो वो हमें टाइम चेक करना है, वो टाइम है ये वाला, कितना टाइम है, ये टाइम है। अब इस टाइम पे यानी इस टाइम तक हमें ये देखना है कि सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो इस टाइम तक, हाँ, सी कितना ट्रेवल कर चुका है, तो सी का ग्राफ ये आ रहा है बेटा, सॉरी, सी का ग्राफ ये है, ये ए का था, तो सी का ग्राफ ये चल रहा है। तो इस टाइम तक हमें सी का डिस्टेंस देखना है, तो इट मीन्स इतने टाइम में सी यहां से चल के, यहां से चलता हुआ कहां तक पहुंच गया, इस तक, यानी हमें इस डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितने की, इस डिस्टेंस की। तो इस टाइम पे अगर मैं इसके सामने से देखूं, इस पॉइंट तक की कैसे निकाल लोगे भाई, इसके सामने डिस्टेंस तो इधर लिखा हुआ ना, डिस्टेंस कहाँ लिखा हुआ है, इधर, तो इसके सामने डिस्टेंस है 8, और इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट अगर देखोगे तो ये हमारे पास चार बॉक्स निकल के आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, और चार बॉक्स की अगर मैं 0.57 के हिसाब से वैल्यू देखूँ तो 2.28 किलोमीटर पे स्टार्ट हुआ था सी चलना। तो डिस्टेंस आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 8 - 2.28, यानी कि 5.72 किलोमीटर। आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में ये पूछा गया है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, कि बी कितना चल चुका है जब वो सी को क्रॉस करता है। अब कह रहा है कि बी सी को क्रॉस करेगा, तो बी का डायग्राम ये है, और किसको पास कर रहा है, सी को, तो सी का ग्राफ ये है, ये किसका ग्राफ चल रहा है, सी का, आपको इसका ध्यान रखना, सी का ग्राफ ये है। तो बी के चलने की बात हो रही, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो बी के लिए जो डिस्टेंस का ग्राफ होगा, इस पॉइंट पे क्रॉस किया, देखो ये ग्राफ किसका था, सी का, और ये था बी का। अब बी को किससे क्रॉस करना है, सी को क्रॉस करना है, तो इस पॉइंट पे आके बी चलता चलता ऐसे चलता जा रहा क्रॉस कर देगा, तो बी का डिस्टेंस इतना होगा। तो बी ने किस टाइम पे क्रॉस किया बेटा, देखो ध्यान से, बी ने किस टाइम पे क्रॉस किया है, इस टाइम पे, तो इस टाइम तक 0.4 बॉक्स, और यहां टाइम को तो मैं कैलकुलेट करना ही नहीं, बस स्केल देखो, उस टाइम के सामने डिस्टेंस कितना है, इतना, ये देखो चार के बाद दो बॉक्स आ रहे हैं, तो ये 5.14 को दिखा रहा है, कितनी वैल्यू को दिखाएगा ये, तो यहां तक कितना हो जाएगा, 5.14, और चला था कितने से, जीरो से, ये कहां से चला था, जीरो से। तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा बेटा जी
दैट इज 5.14 माइनस 0, 5.14 किलोमीटर। तो इस तरीके से करना था। देखो इस क्वेश्चन ने कितना परेशान कर रखा था, क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी भाई, उसमें बॉक्सेस का साइज उस बुक में प्रॉपर नहीं दे रखा था। ठीक है, ओके कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे काम करते हैं।